हाय गाइस, वेलकम बैक। आपका अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे iOS 18 के डेवलपर बीटा अपडेट से हम पब्लिक बीटा पे कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। सो गाइस, iOS 18 का पब्लिक बीटा अपडेट जो है वो एज़ कंपैरेटिवली डेवलपर बीटा के अपडेट से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है और उसमें जो बग्स होते हैं वो भी काफ़ी कम होते हैं और ना के बराबर होते हैं। इसलिए आपको पब्लिक बीटा अपडेट को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, अगर आपने डेवलपर बीटा अपडेट को इंस्टॉल कर रखा है तो फिर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपने कोई भी बीटा अपडेट नहीं इंस्टॉल कराया है 18 का, तो फिर भी आप अपडेट कर सकते हो पब्लिक बीटा के ऊपर और इसे टेस्ट कर सकते हो अपने डिवाइस के ऊपर, और काफ़ी सेफ रहता है एज़ कम्पेरेटिवली डेवलपर बीटा के अपडेट के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं कैसे आपको इंस्टॉल करना है iOS 18 का पब्लिक बीटा अपडेट अपने डिवाइसेस पे। सबसे पहले गाइस, आपको मेक श्योर रखना है कि आपके जो डिवाइस की स्टोरेज है वो फ्री अप होनी चाहिए। यहाँ पर आप अपडेट का साइज़ चेक कर सकते हो, 6.23 GB अपडेट का साइज़ रहने वाला है, इसलिए आपके पास तकरीबन 30 GB अवेलेबल होनी चाहिए आपके डिवाइस की स्टोरेज, अगर आपको ये अपडेट इंस्टॉल करना है अपने डिवाइस पे। सेकंडली, आपको यूज़ करना है वाईफाई कनेक्शन। तो वाईफाई कनेक्शन क्यों यूज़ करना है, क्योंकि ये स्टेबल रहता है और आपको बढ़िया स्पीड भी प्रोवाइड करता है। और थर्ड नंबर के ऊपर, अपने डिवाइस की जो बैटरी बैकअप है अपना आईक्लाउड में, वो क्रिएट कर लेना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सभी के सभी डेटा को आपने सेव करके रखना है अपने आईक्लाउड स्टोरेज में। उसके बाद आप गुड टू गो हो अपने डिवाइस को अपडेट करने के लिए iOS 18 के पब्लिक बीटा के अपडेट। सबसे पहले आपको जाना है अपने सफारी पे, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी वेबसाइट एप्पल की, beta.apple.com। तो आपको इसे सर्च करना है, तो यहाँ पर आपको beta.apple.com टाइप कर देना है और इसको सर्च कर देना है। जैसे यहाँ पर सर्च करोगे, आपको यहाँ पर कमिंग सून बता रहा है पब्लिक बीटा, क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिक बीटा की रिलीज डेट है वो आपको जल्दी देखने को मिलने वाली है। आई थिंक की जो 15 डेट है वहाँ पर आपको तब देखने को मिलेगा पब्लिक बीटा। तो आपको साइन इन के बटन पे टैप करना है, तो यहाँ पर आपको आपका जो डिवाइस है वो आपकी एप्पल आईडी को साइन इन करेगा। तो कंटिन्यू के ऊपर टैप करो, तो फेस आईडी आपका डिवाइस जैसे यूज़ करेगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लोडिंग का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर करंटली साइन इन हो रहा है, तो डन की ऑप्शन शो हो चुकी है। तो जैसे यहाँ पर आपको डन बटन शो हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपकी जो एप्पल आईडी है वो beta.apple.com के ऊपर साइन इन हो चुकी है कम्प्लीटली। तो अब आपको यहाँ पर स्वाइप अप करना है, एनरोल योर iOS डिवाइस के ऑप्शन पे टैप करो, और जैसे सेलेक्ट करोगे आपको यहाँ पर ओपन बीटा अपडेट्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ओपन बीटा अपडेट्स को, और जैसे ही एप्पल रिलीज़ करेगा iOS 18 के पब्लिक बीटा को, तो डेवलपर बीटा अपडेट के नीचे आपको पब्लिक बीटा शो होना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर आपको iOS 17 पब्लिक बीटा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे आप डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो पब्लिक बीटा के ऊपर। अगर आपने डेवलपर बीटा अपडेट भी इंस्टॉल करा है तो फिर भी आप पब्लिक बीटा के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो इस मेथड को यूज़ करके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।